अजान दे दीजिए। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير سورة الحديد آيات 6-8 آج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وقف جدید کے سارے نو
का आगाज होगा और पुरानी रवायात के मुताबिक जनवरी के पहले जुमे में ही हमेशा वक्फ जदीद का ऐलान किया जाता है, हमेशा तो नहीं मगर अक्सर जनवरी के पहले हफ्ते में ऐलान किया जाता है। इस ऐलान से पहले मैं एक दो अमूर वैसे ज़िमनन अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ जुमे पे आते हुए रास्ते में वो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मदिन का विर्द एमटीए पर हो रहा था और उस पर मेरा दिल हम से भर गया। इन जालमों ने कोशिश की थी कि जमात अहमदिया को सल्ले अला के विर्द से रब्बा में महरूम कर दें, छोटे छोटे बच्चों को कैद किया गया और पकड़ा गया कि तुम सल्ले अला के विर्द न करो। आज सारी दुनिया सल्ले अला के विर्द से गूंज रही है और किसी की मजाल नहीं किसके रस्ते में हायर हो सके। बस ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है जिसे हमें खसूसियत से याद रखना चाहिए कि इनकी सब रोकें खुदा ने खाक की तरह उड़ा दी हैं। आसमान से जो फजल नाजिल हो रहे हैं उनकी राह में इनकी तरफ से कोई छतरियाँ कोई रोकें हायल नहीं हो सकती, होते चले जाएंगे और ये हसरतों से देखते चले जाएंगे। अगर ये हकीकत भी इनको समझ नहीं आ रही तो फिर क्या हकीकत समझ आएगी। अपनी आंखों के सामने आसमान से फजलों की बारिश होते देख रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि हम मुबाला जीत गए, खाक जीत गए हो तुम। वो किस्से मैं बाद में बताऊंगा कि क्या जीते हैं और कैसे जीते हैं, मगर यहाँ ज़िमनन सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ कि इस बारे में भी खुदा ताला का बहुत शुक्र अदा करें, उसका हक अदा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो ज़िमनन कहनी चाहता था वो हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा मंसूर अहमद साहब की वफ़ात से मुतालिक मिलने वाले ताज़ियती पैगाम खतूत और लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाना है। हमारे वाक़िया ये है कि जितने भी खतूत आते हैं मुझे लाजमन पढ़ने पड़ते हैं और उनका इतना बड़ा बुलंदा बन जाता है रोज़ कि अब रमज़ान की मसरूफियात की वजह से मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा कि सरसरी नज़र से भी उनको पढ़ूं। और जानता हूं जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया उन सब के मुतलक जानता हूं, जो उनमें से बहुत आगे हैं उनको भी, जो ज़रा पीछे हैं उनको भी। हकीकत यह है कि उस खुतबे के बाद जो मैंने हज़रत सरदार मिर्ज़ा मंसूर अहमद साहब के रूहानी मदारिज के मुतलक दिया था, अक्सर यही इजहार हो रहा है कि हमें पहली दफ़ा पता चला कि आप क्या चीज़ थे। मगर पहली दफ़ा चला या बाद में पता चला ये बहस अलग है। सारी दुनिया की जमात उनके लिए दुआगो है और उनके अकरबा के लिए दुआगो है और इस हकीकत से मैं बाखबर हूँ। बस जवाब का तो वैसे ही सवाल नहीं कि मैं सबको जवाब लिख के दूँ, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज तक कसरत से खतूत लिखे और बाज़ यहाँ भी तशरीफ़ लाए। मगर अब मैं उनसे आजाना अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये समझ लें कि मुझे इल्म है और मेरी दुआओं में ये सब बुज़ुर्ग शामिल हैं, बड़े हों या छोटे, मर्द हों या औरतें, छोटे छोटे बच्चों ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। अल्लाह ताला सारी जमात को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हाँ अगर कोई ख़ास नुक्ता किसी ने लिखना हो, मसलन बाज़ ख़ुतों में सरदार साहब मरहूम के मुतलिक बाज़ बड़े अच्छे निकात बयान किए जाते हैं जिनकी तरफ पहले मेरी तवज्जो या नहीं गई होती या ज़रूरत होती है कि उस तवज्जो को बेदार किया जाए, तो ऐसे निकात जो लिखना चाहें वो बेशक लिखें, उनको रोक नहीं है और सख्ती के साथ मनाही भी नहीं है, मगर सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। इसके बाद उम्मीद है कि जहाँ तक मुमकिन होगा आप अपने जज्बात को काबू में लाकर इस मौजू पर मेरी दिलदारी नहीं करेंगे, करेंगे तो दुआओं में करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। रमज़ान और साल नौ की मुबारकबादों का भी यही हाल है। फैक्सेस और पैगामात भेजने वालों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि हर एक को जवाब देना हरगिज़ मुमकिन नहीं रहा, इसलिए ये भी आप यकीन करें कि उन सब के लिए मेरे दिल में जज्बात इम्तिनान हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अब इस सिलसिले को भी बंद होना चाहिए क्योंकि ये एक रस्म तो है
और रस्म ही जो है इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। 9:30 की मुबारकबादों में हम जहाँ तक हो सकता है तकल्लुफात से इज्तनाब करते हैं, लेकिन मुबारकबाद की बात तो मुँह से निकल ही जाती है, ये गुनाह नहीं लेकिन है फिर भी तकल्लुफ ही। इसलिए 9:30 के आगाज़ पर मेरे लिए भी दुआएं करें, अपने लिए भी दुआएं करें, जमात के लिए भी दुआएं करें, ये 9:30 का बेहतरीन आगाज़ होगा। अब मैं इन आयात से मुतल्लिक कुछ अर्ज़ करता हूँ जो वक्फ़े जदीद का खुतबा देने से पहले मैंने तिलावत की हैं। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द वइलल्लाहि तुर्जउल उमूर, ये एक ऐलान आम है कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, कोई उस बादशाही में उसका शरीक नहीं। इस हकीकत का दिल में गढ़ जाना यही तौहीद है। वह इल्लाह तुर्जउल उमूर, न सिर्फ ये कि बादशाही है बल्कि तमाम उमूर, तमाम अहम बातें उसी की तरफ लौटाई जाएंगी, बस उससे मफर नहीं है। खुदा ताला की बादशाही कोई दुनिया की बादशाही नहीं जिससे आप भाग कर कहीं मुंह छुपा सकें। दुनिया में भी कोई मफर नहीं, आसमानों में भी कोई मफर नहीं, और अगर होता भी तो आखिर उसी की तरफ लौटना है। बस दुनिया में अल्लाह ताला की तकदीर ज़ाहिर होने में बाज़ दफ़ा देर भी हो जाती है, लेकिन आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातब करके यकीन दिलाया था कि देखते मुखालफीन की पकड़ अगर यहाँ ना भी होगी तो तू जानता है कि आखिर ज़रूर होगी। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए ये फरमाना दरअसल एक गहरी हिकमत हम सब के लिए रखता है। आ हज़ूर की इस पर पूरी तसल्ली हो गई थी, एक ज़र्रा भी कलक बाकी नहीं रहा, क्योंकि आप आखिरत पर यकीन रखते थे। आपके लिए कोई पकड़ यहाँ हो या वहाँ हो महज एक रस्मी फासला था, वरना हमारे वाकया यही है कि आपके नज़दीक तो इस दुनिया और उस दुनिया में फ़र्क ही कोई नहीं था। और जब ये यकीन हो तो फिर दुश्मनों की ताली, उनकी हंसियाँ सब बेकार बेमानी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वइलल्लाहि तुर्जउल उमूर, आखिर सब बातों में उसकी तरफ लौटना है, इसमें घबराहट की क्या ज़रूरत है। ये कामिल तवक्कुल है जो मैं जमात से चाहता हूँ, और हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मेरी जान इसी तवक्कुल पर जाए। एक ज़र्रा भी खुदा से किसी किस्म का कोई शिकवा दिल में नहीं पैदा होना चाहिए। बीमारियाँ हों, मुसीबतें हों, दुश्मन की तालियाँ हों, या दुश्मन से कदा नज़र ज़िंदगी के मसाइल हों, अगर ये दीन आपका दीन है जो इस आयत में बयान हुआ है, तो फिर आप हमेशा तस्कीन के सांस लेंगे और मरते वक्त भी आपको एक ऐसी कल्बी तस्कीन हासिल होगी जो किसी और को नसीब नहीं हो सकती। इसी ज़िमन में अल्लाह ताला फरमाता है यूलिजुल लैला फिल नहारे व यूलिजुल नहारे फिल लैल, तुम देखते नहीं कि वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। इसमें दिन को रात में दाखिल करना एक खास माने रखता है। यूलजुन नहारा फिल्लेले, ये एक ऐसे दिन की तरफ इशारा है जो मोमिनों का दिन कभी आके वापस नहीं जाया करता। आमतौर पर अच्छी बात कुरान करीम में पहले बयान की जाती है और कुछ बुराई की खबर बाद में बयान की जाती है, लेकिन जहां इस तरतीब को बदल दिया जाए वहाँ लाजमन गहरी हिकमत हुआ करती है। और यहाँ यह हिकमत पेश नज़र है कि मोमिनों के की रात में मोमिनों का दिन दाखिल हो जाएगा, और जब होगा तो फिर दोबारा वो रात में तब्दील नहीं किया जाएगा, वो हमेशगी का दिन है जो उन पर शुरू होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस मज़मून को भी अच्छी तरह समझ देंगे, और इसके बाद फिर सारी बातें अल्लाह पर हैं, तमाम तर तवक्कुल है
कुछ भी झगड़ा बाकी नहीं रहता, कोई मखमसा बाकी नहीं रहता। ये एक तकदीर इलाही है जिसमें कभी कोई तब्दीली आप नहीं देखेंगे। ताखीर हो जाया करती है, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं। खुदा का दिन लाजिमन बड़े मजबूत कदमों से आगे बढ़ा करता है, और जब एक दफ़ा दिन फैलना शुरू हो जाए तो उसकी रोशनी की राह में कोई दुनिया का अंधेरा हायल नहीं हुआ करता। आमिनु बिल्लाहे वहुवा अलीमु बिज़ाति सुदूर, और वो दिलों के हाल को जानता है। जो लोग भी अल्लाह ताला पर इस किस्म का तवक्कुल न रखें जिसकी तफसील इन आयात में बयान फरमाई है, तो वो जान लें कि अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानता है। और वो लोग जिनके दिल में यही बातें हैं उनको भी इसका ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, वो हर तवक्कुल करने वाले से वही सलूक फरमाएगा जो हमेशा फरमाया करता है। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ख़र्च करो मिम्मा जअलकुम जो उसने तुम्हारे लिए बनाया, जिन जायदादों का यानी जो भी माल व मसा दुनिया के हैं या जो भी ताकतें अता हुई हैं उनका तुम्हें मालिक बना दिया। इस्तखलाफ का मज़मून पहली कौमों के विरसे के साथ ताल्लुक़ रखता है। वो चीज़ें जो पहली कौमों को अता की गई थी वो अब लाजमन तुम्हें अता की जाएंगी, और इस बात पर मुतनबे हो जाओ कि खुदा तआला तुमसे तवक्को नहीं रखता कि उन चौक ताकतों को, उन अजमतों को जो दुनिया में तुम्हें अदा की जाएंगी उनको अपने हाथ से ज़ाया कर दो और इस दिन को फिर अंधेरों में तब्दील कर दो। अगर यह हुआ तो तुम ज़िम्मेदार हो। फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अजरुन कबीर। बस याद रखो कि वो लोग तुम में से जो ईमान लाते हैं और ख़र्च करते हैं, यहाँ ख़र्च से मराद सिर्फ दुनियावी ख़र्च नहीं बल्कि रूहानी तौर पर अपनी तमाम ताकतें, तमाम दिलो जान अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, उनके लिए अजरुन कबीर एक बहुत बड़ा अजर मुकद्दर है। सूरह हदीद आयात 46। अब रमज़ान का महीना है और यह मज़मून जो दरअसल वक्फ़े जदीद के लिए शुरू किया गया था, मैं इसको रमज़ान के साथ मिला देना चाहता हूँ ताकि रमज़ान की बरकतों में वक्फ़े जदीद और वक्फ़े जदीद की बरकतों में रमज़ान की बरकतें शामिल हो जाएं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बुखारी किताबुज़्ज़कात ये बयान करती है, और ये कौल अबू हुरैरा से मरवी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक कहता है ऐ अल्लाह खर्च करने वाले सखी को और दे और उसके नक्श कदम पर चलने वाले और पैदा कर, दूसरा कहता है अल्लाह रोक रखने वाले कंजूस को हलाकत दे और उसका माल व मता बर्बाद कर। इसमें से जो पहला हिस्सा है वो तो ज़ाहिर व बाहिर है, अल्लाह ताला की राह में जो खर्च करने वाले हैं खुसूसियत से रमज़ान मुबारक में उनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए भी दुआएं करते हैं। बस आप अपनी नेकियों में अपने बच्चों को भी शरीक करें, अपने गिर्दो पेश अपने माहौल को भी शरीक करें ताकि ये नेकियों का मज़मून फूलने और फलने और फैलने लगे और तमाम दुनिया पे मुहित हो जाए। ये एक ऐसा फ़ेल है जो अल्लाह ताला की तरफ से चलाई जाने वाली हवाओं के रुख पर होगा। फरिश्ते दुआएं करेंगे और आप आगे कदम बढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह ताला अपने फजल से खुदा की राह में खर्च करने वालों के अम्वाल में बरकत देगा, और इस बरकत के नमूने हम देख रहे हैं।
तमाम दुनिया में ऐसे खर्च करने वालों को खुदा तआला मजीद अता फरमा रहा है और उन जैसे और पैदा कर रहा है, जिनके नतीजे में अहमदियत के बढ़ते हुए बोझ बआसानी उठाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बारहा जिक्र किया है कि आज तक एक भी ज़रूरत ऐसी मेरे सामने नहीं आई जो ज़रूरत हक़ा हो, अचानक सामने पैदा हो जाए और उसकी ज़ाहिर में इलाही हवा न चली हो। हमेशा बग़ैर तहरीक के कसरत के साथ ऐन ज़रूरत के वक्त अल्लाह ताला ज़रूरत पूरी करने के सामान पैदा कर देता है। और मुबारक ज़फ़र साहब, जिनके सपूत आज कल यहाँ मालियात का निज़ाम है शफी अशरफ साहब के अलावा, वो जब किसी ख़ास बढ़ती हुई ज़रूरत को के मुताबिक बात करने आते हैं तो उनकी मुस्कराहट बजा रही होती है कि फिर वही वाक्य हो गया है, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बेख्तियार हंस पड़ते हैं कि वही बात हुई, मैं ज़रूरत का पूछने के लिए आया था और ये खुदा तआला की फ़ज़ल से साथ पूरे होने के सामान भी साथ पहुंच गए हैं। ये ऐसा मुसलसल खुदा तआला का सलूक है कि आज तक कभी ज़र्रा भी इसमें कोताही नहीं हुई। आप महफूज हाथों में हैं, न सिर्फ ये कि आप महफूज हाथों में हैं बल्कि आपके दिल की सच्चाई पर ये बातें गवाह हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा सच्चे लोगों से है जो खुदा की खातिर, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, उसकी राह में अपनी ताकतें और अपना माल खर्च करते हैं। उनके साथ ये वादा है और हमारे साथ ये वादा पूरा हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इन खर्च करने वाले के दिलों पर नज़र रखी और उनकी नेकियों और उनके खलूस को कबूल फरमा लिया है। और ये कबूलियत के निशान हैं जो हम देख रहे हैं। अल्लाह कहे कि हमेशा इसी तरह ये कबूलियत के निशान हमारे हक़ में ज़ाहिर होते रहें। जहाँ तक रोक रखने वाले कंजूस की हलाकत की दुआ है, इस सिलसिले में मैं बाज़ वजाहतें पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में लोगों ने कई दफ़ा देखा है कि रोक रखने वाले कंजूस को हलाक नहीं किया जाता। क्यों हलाक नहीं किया जाता, ये मज़मून मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अगर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों यानी ईमान लाने वालों की किसी खूबी पर नज़र रखते हुए या अपनी अनायत की वजह से उनको बचाना चाहे और वो अमवाल के मामले में कंजूसी करते हों, ऐसे लोगों के अमवाल बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं, ताकि ठोकर खाकर उनको नसीहत आए। और बसाओ खास ऐसे लोगों ने बिल आखिर मुझे ख़त लिखा कि हम ये किया करते थे लेकिन अब हमें नसीहत आ गई है और जब से हमने खुदा की राह में कंजूसी छोड़ी है हमारे अमवाल में दोबारा बरकत पड़नी शुरू हो गई। लेकिन वो लोग जिनको खुदा तआला ज़ाया समझता है, बेकार खुश्क लकड़ियाँ समझ जानता है, उनको वो ज़रूर काट के अलग फेंक दिया करता है और फिर उनके अमवाल तरक्की करते हैं और करते चले जाते हैं, लेकिन जमात को उसकी एक कौड़ी की भी परवाह नहीं होती। वो अपने अमवाल समेत जहाँ चले जाएँ जमात के ख़जाने में एक आने की भी कमी नहीं कर सकते और उनकी जगह अल्लाह और भेज देता है। बस ये वो सलूक है जो हमसे जारी है और ये हदीस दरअसल इसी मज़मून को बयान कर रही है। हज़रत इब्न मसूद बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्सों के सिवा किसी पर रश्क नहीं करना चाहिए। वो कौन हैं जिन पर रश्क करने की इजाज़त है? एक वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने उसे राह हक में खर्च कर दिया, ऐसे शख्स पर बेशक रश्क करो। अगरचे ऐसे अशख़ास अपने इस खर्च को छुपाते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर ये
ज़ाहिर हो भी जाता है और अल्लाह की तकदीर उसे ज़ाहिर कर दिया करती है, बाज़ दफ़ा इसलिए कि ताकि दूसरों को नसीहत हो। बस जब उनको देखो तो उन पर रश करो। दूसरा, ऐसा शख्स जो अल्लाह जिसे अल्लाह ताला ने समझ, दानाई और इल्म व हिकमत दी हो, जिसकी मदद से वो लोगों के फैसले करता हो और लोगों को सिखाता हो। तो दानाई और इल्म व हिकमत को बनी नौ इंसान के हक़ में इस्तेमाल करना चाहिए, और यह भी एक ऐसा खर्च है जिसके नतीजे में दानाई और इल्म व हिकमत में तरक्की होती है। ये खुदा के अता करदा माल की तरह जो हमेशा बढ़ता है, ये भी बढ़ती रहती है। और जितना भी आप बनी नौ इंसान की खातिर कुछ खर्च करें या जो कुछ आपने पाया है उसमें शरीक करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला इसमें कमी नहीं आने देगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था, बाज़ अताई नुस्खे वाले सीना बसीना लोगों की भलाई के राज लिए फिरते हैं और छुपा के रखते हैं। ये सिर्फ मशरिक का हिस्सा नहीं, मगरिब में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसी जुए में मुब्तला होती हैं। वो राज की बातें जिसके नतीजे में उनका कोई माल दुनिया में शोहरत पा लेता है, उसे इतनी मजबूती से कुफल बंद रखते हैं कि किसी और में ताकत ही नहीं होती कि उसको पेश कर सके। हालांकि अगर वो ऐसा ना करते तो अल्लाह ताला ने उनको और भी रिज़्क़ अता कर देना था, लेकिन इस तरफ उनकी नज़र नहीं जाती। हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं, कोई नुस्खा ही हाथ आ गया तो संभाल संभाल के रखते हैं। मुझे भी बाद दिलचस्प खतों में से एक ऐसे खत भी होते हैं, बाद ऐसे खत भी होते हैं कि ये नुस्खा अब हम आपको बता रहे हैं, रिश्ता 30-40 पृष्ठों से मजाल है जो किसी और को पता हो, अब हम आपके हवाले करते हैं, इसे एहतियात से इस्तेमाल करें। यानी दुनिया को कानों कान खबर ना हो कि इतना अजीम शान नुस्खा मेरे हाथ आ गया है। मैं उनके नुस्खे रद्द कर दिया करता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुझे तुमसे बहुत बेहतर नुस्खे अता फरमाए हैं जिन्हें मैं खुल के दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ, ज़र्रा भर भी कंजूसी नहीं, और उसके नतीजे में मेरा इल्म कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और ऐसे खुदा के बंदे जो अपने उलूम के नतीजे में बाज़रास पा जाते हैं, वो मुझे खुल के लिखते हैं और कहते हैं बेशक इसका इश्तिहार आम दें, ये बनी नौ इंसान की मलकियत है, मुझे ऐसे अहमदी चाहिए। और उन्हीं का जिक्र मिलता है इस हदीस नबी में कि अपनी हिकमत को बेबाक लोगों के लिए इस्तेमाल करो, कभी कम नहीं होगी। मंजर रज़ी युखरिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहु अज़ाफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। ये अल-हकम से मैंने कुछ इक़्तिबासात एक दो लिए हैं ताकि ये अल्लाह की राह में खर्च करने के मज़मून को आप हज़रत अक़दस मसीह मौऊद के अल्फाज में सुन लें। ये बोलने में जो बाज़ दिक्कत होती है मुंह के खुश्क होने की वजह से, ये तो पहले ही हमेशा मैंने बताया हुआ करती थी, और अपने बाप और बड़े भाई से मैं यही विरसा पाया है, लेकिन इसका नुकसान कोई नहीं है। पहले तो कहवे गर्म पानी के ज़रिए इनको तर कर दिया जाता था होंठों को, अब रोज़े की वजह से ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप दुआ करें कि कुछ ऐसी दवाएँ, ऐसी हिकमत की बातें मैं कर रहा था, खुदा ताला मुझे अता फरमा दे, जिनके बाद आपको दर्स में या जुमे पर इन खुश्क होंठों की तर बातें सुनने से कोई तकलीफ़ न पहुँचे। होंठ खुश्क हो जाते हैं अगर बातें तर हैं, उनमें कभी कहीं ज़र्रा भी खुश्की के कोई आसार आप नहीं देखेंगे। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस तरह भी हो अपने फजल और रहम के साथ इस रमज़ान को बेहतर से बेहतर हालत में आगे बढ़ाता रहे और मुझे इसके तकाज़े पूरे करने की तौफीक बख्शे।
हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला जो कर्ज मांगता है तो उससे ये मुराद नहीं होती कि माज़ अल्लाह अल्लाह ताला को हाजत है और वो मोहताज है, ऐसा वहम करना भी कुफ्र है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जजा के साथ वापस करूँगा। ये एक तरीक है अल्लाह ताला जिससे फजल करना चाहता है उसके लिए अल्लाह ने ये तरीक अख्तियार फरमाया है, यानी तुम्हें आजमाता है, ऐसी आजमाइश में डालता है जो तुम्हारे लिए बहुत बरकत है। तुम अपने पैसों को जो दुनिया में फेंकते फिरते हो, कभी वो फायदे के साथ वापस लौट आते हैं, कभी बल्कि अक्सर जो सूद खोर हैं उनके तो ज़रूर नुकसान में जाते हैं, लेकिन आम ताजरों के रुपए फायदे के साथ वापस आते और बढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसी तजारत अता फरमा दी है कि तुम उसको कर्जा दो, और कर्जा हंसना हुआ करता है, कोई सूद की शर्त नहीं हुआ करती। जब दो तो इस नीयत से दो कि अल्लाह हमारी खुशी है, तू पूरी फरमा, हम चाहते हैं कि जो रिस्क तुमने अता फरमाया है कुछ तेरे कदमों में डाल दें और इससे हमें बेइंतहा तमानियत नसीब होगी अगर तू कबूल फरमा ले। ये जज्बा है जिसके साथ कर्ज़ हसना दिया जाता है, लेकिन जिसको आप देते हैं इस जज्बे के खलूस के मुताबिक वो जवाबी कार्रवाई करता है। जितना सच्चा ये जज्बा हो उसकी कबूलियत इस माल को बढ़ाकर वापस करने के नतीजे में ज़ाहिर होती है। बस जिन लोगों का थोड़ा दिया भी बहुत बरकतें हासिल कर लेता है, ये उनके खलूस की तरफ इशारा है। जिन लोगों का ज़्यादा दिया भी इतनी बरकतें हासिल नहीं करता, ये उनके खलूस की कमी की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला बहरहाल इन दोनों पर नज़र रखता है और जितना चाहे बढ़ा देता है। बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं कि इस तरह बढ़ाता है, इस तरह बढ़ाता है, इस तरह बढ़ाता है, लेकिन आखिर पर यही फरमाता है कि जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा, और ज़्यादा की तायीन नहीं, इतना ज़्यादा होता है कि आप शुमार नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज़्यादा होता है अल्लाह की राह में पेश करने की ख्वाहिश भी उसी तरह बरसी चली जाती है। वो ज़्यादा जिसके बाद खुदा की खातिर खर्च करने की ख्वाहिश मिट जाए वो ज़्यादा एक बुरी आजमाइश है। दुआ करें कि अल्लाह ताला कभी आपको और मुझे ऐसी बुरी आजमाइश में न डाले। अल हकम जिल्द 6 नंबर 17 मुअर्रखा माह मई 1903 से यह हवाला दिया गया था। अब एक और हवाला है अल हकम जिल्द 5 सफ़ा 21 मुअर्रखा 10 जून 1901। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक नादान कहता है कि मंज़िल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन अता करे, कौन शख्स है जो अल्लाह को कर्ज दे। इसका मफहूम यह है कि गोया माज़ अल्लाह खुदा भूखा है। बाज़ लोग ये नतीजा निकालते हैं, यानी दुश्मन इस्लाम अक्सर और बाज़ मुसलमान नादान भी ये इतराज़ उठाते हैं कि देखो कैसा ऐलान है, मंज़िल जो खुजुल्ला कर्ज़ है, अल्लाह कोई भूखा है जिसे कर्ज की ज़रूरत है। आप फरमाते हैं अहमक नहीं समझता कि इससे भूखा होना कहाँ से निकलता है। यहाँ कर्ज का मफहूम असल तो ये है कि ऐसी चीज़ें जिनके वापस करने का वादा होता है उसके साथ इफलास अपनी तरफ से लगा लेता है, ऐसी चीज़ें जिनके वापस करने का वादा होता है उसके साथ इफलास अपनी तरफ से लगा लेता है। यहाँ कर्ज से मुराद ये है कि कौन है जो खुदा ताला को अमाल सालिया दे, अल्लाह ताला उनकी जज़ा उसे कई गुना करके देता है। अब इफलास का रद्द करने के लिहाज से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत नुक्ते की बात फरमाई।
फरमाया कर्ज हसना को माल तक महदूद क्यों करते हो? कर्ज हसना का अक्सर हिस्सा तो तुम्हारे अपने नेक अमाल से ताल्लुक रखता है। तुम नेक अमाल इख्तियार करो तो अल्लाह का पेट भर जाएगा, कौन सी भूख पेरेगी उसकी? लेकिन वो इसकी जजा तुम्हें ऐसी देगा कि तुम्हारी भूखें मिट जाएंगी। बस ये नुक्ता बहुत ही उम्दा और बहुत ही अजीम नुक्ता है कि कर्ज हसना को दुनियावी रिस्क तक महदूद ना करो। कर्ज हसना का ज़्यादातर ताल्लुक तुम्हारे अमाल की इसलाह से है। अल्लाह के हजूर जब तुम नमाजें इखलास से पढ़ते हो, अल्लाह के हजूर जब तुम रोज़े इखलास से रखते हो, अल्लाह के हजूर जब दूसरी नेकियां तुम इखलास से बजा लाते हो, तो ये कर्ज हसना है। क्या इससे खुदा का नाउज़ बिल्लाह मिज़ालिक पेट भरेगा? तुम्हारे अमाल की वो फिर जजा देगा, और पेट भरेगा तो तुम्हारा पेट भरेगा। बस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नुक्ते को जो बयान फरमाया है, इसमें अमाल सालिया के साथ चंदे भी शामिल हैं, वो भी तुम्हें लौटाए जाएंगे, और उनकी कबूलियत का फ़ायदा तुम्हें मिनहसुल जमात पहुँचेगा, और उन चंदों से जमात को के नफूस और अमवाल में बहुत बरकत पड़ेगी। और जो तुम्हारी तमन्नाएं हैं कि तुम दुनिया में आखिरी फतह हासिल कर लो, ये सारे निज़ाम उस फतह को करीब तर करने के लिए बनाए गए हैं। बस कर्ज हसना का मज़मून बहुत ही वसी हो जाता है, और इस पहलू से जमात अहमदिया को इस पर गौर करना चाहिए। आगे फरमाते हैं, ये खुदा की शान के लायक है जो सिलसिला अबूदियत का रबूबियत के साथ है, उस पर गौर करने से उसका यह मफहूम साफ समझ आता है, क्योंकि खुदा तआला बदून किसी नेकी, दुआ और इल्तिजा और बदून तफरीक़ाए काफिर और मोमिन के हर एक की परवरिश फरमा रहा है, और अपनी रबूबियत और रहमानियत की फैज़ से सबको फैज़ पहुँचा रहा है। इन्हें खुदा पर यह इल्ज़ाम हद से बढ़ी हुई जहालत है। वो रब जो बग़ैर दुनिया की इल्तिजाओं के, बग़ैर उसके मांगने के, बग़ैर उस पर की ज़ात पर यकीन के, जो कुछ खा रही है वो दुनिया उसी के हाथों से खा रही है। तुम इतने बेवकूफ़ लोग हो कि छोटी सी ज़रूरत के बाद समझते हो कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। उस खुदा को तुम्हारी हाजत क्या हो सकती है जो सारी कायनात का रब है? अदना से अदना जानवर की का रिज़्क़ अता फरमा रहा है, उन इंसानों को रिज़्क़ अता फरमा रहा है जो उसके दीन के मुखालिफ हैं, उन इंसानों को रिज़्क़ अता फरमा रहा है जिन्होंने खुदा के बेटे बना रखे, उनको रिज़्क़ अता फरमा रहा है जो उसकी हस्ती का इनकार कर रहा है। ये आलमी रहमत और रबूबियत का नज़ूल तुम्हें इस आयत के समझने में मुमित होना चाहिए, ना कि इसके बरक्स तर्जमा करो। इसलिए हर वो माना जो खुदा की इस आलमी रबूबियत के ख़िलाफ़ किया जाता है कर्ज हसना का, वो मर्दूद माना है, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है। सुनाते हैं कि मा युक्रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, इसकी तफसीर इस आयत में मौजूद है, मा यामल मिसकार ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी एक ज़र्रा बराबर भी तुमको काम करो जो अच्छा हो, अल्लाह की उस पर नज़र होती है और वो उसे ज़रूर बढ़ाता है। बस ऐसे खुदा पर इस आयत को ना समझने के नतीजे में एतराज़ करना अपनी हलाकत के सिवा और कुछ नहीं। अब जो थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसमें मैं वक्फ़े जदीद के नए साल का ऐलान करता हूँ और चंद कवायफ आपके सामने रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्फ़े जदीद का 42वां साल खुदा ताला के बहुत से फ़ज़लों को
समेटकर 31 दिसंबर 1997 को इख्तिताम पजीर हो गया है और हम अब वक्फ जदीद के 43वें साल में दाखिल हो रहे हैं। पहले बहुत से तवायफ बयान किए जाते थे आदाद शुमार की सूरत में, जिनको अक्सर लोग समझते नहीं थे और जो सामने बैठे हैं उनकी आंखों से ही मैं समझ लेता था कि कुछ नींद की तरफ मायल हो रहे हैं, क्योंकि आदाद शुमार को जज्ब करना और समझना ये अच्छे तालीम याफ्ता आदमियों में से भी सबको नसीब नहीं हुआ करता। ये खास मलिका है जिसके नतीजे में आप आदाद शुमार को फौरन अखज करके समझ लेते हैं। तो इसलिए अब मैंने ऐसे आदाद शुमार का जिक्र छोड़ ही दिया है जिनको समझाने में मुझे दिक्कत हो, जिनको समझने में आपको दिक्कत हो, आखिरी फायदा कुछ भी नहीं होगा। अब वो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ जिनका ताल्लुक आखिरी फायदे से है। सबसे पहले तो निज़ाम में एक तब्दीली का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जमात में अल्लाह ताला के फजल से अब करोड़ से ज़्यादा अहमदी नए शामिल हो चुके हैं और उनके मुतालिक हमारी तरफ से जो तरबियत के निज़ाम जारी हो रहे हैं अभी तक पूरी तरह उनकी कफालत नहीं कर रहे। अगर हमने वक्फ़ जदीद में भी उनकी तरफ पूरी तवज्जो की होती तो उनके ईमान और इखलास को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। इसलिए अब हर जमात में नए आने वालों के लिए वक्फ जदीद का एक अलग सेक्रेटरी मुकर्रर हो, वो खालिसतन उन पर काम करे, खा एक आना में वो भी कबूल किया जाए, लेकिन कसरत के साथ वक्फ जदीद में शामिल होने वालों की तादाद में नए आने वालों में से इजाफा हो। उसके नतीजे में हमारी जो फहरिस्त है लाखों की बजाय अगले चंद साल में करोड़ तक पहुंच जाएगी और वक्फ जदीद का ये फैज़ बहुत बड़ा फैज़ होगा, जो फैज़ आम होगा और आइंदा रहते ज़मानों तक के लिए वक्फ जदीद का ये एहसान बनी इंसान को पहुँचता रहेगा। बस आज से अपनी जमात में एक पूरे सेक्रेटरी वक्फ जदीद बराए नौमुबाइन मुकर्रर करें और दूसरे सेक्रेटरी वक्फ जदीद जो हैं उनका ताल्लुक पहलों की तादाद बढ़ाना, उनके बच्चों की फिक्र करना, बढ़ती हुई आमदनियों के मुताबिक वक्फ जदीद के धंधे को बढ़ाना ये काम होगा और ये काम अलग चले तो उम्मीद है अगले साल इंशाल्लाह इसके बड़े दिलचस्प नतीजे आपके सामने आएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक जो इस वक्त वक्फ जदीद की सूरत है 1997 के अख्ताम तक खुदा तआला के फज़्ल व करम से 10,82,398 पाउंड वसूली हुई है। 10,82,398 पाउंड रुपयों में मैंने इसलिए बात नहीं की कि रुपयों में ये तादाद बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन ये वो करेंसी है जो साल हर साल से मुस्तकम है और कोई ये इतराज़ नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिर रही है, आप क्यों इजाफे की बातें कर रहे हैं। कई ऐसे आदाद व शुमार पर नज़र रखने वाले भी हैं जिनकी नज़र हमेशा इतराज़ की खातिर होती है और हर खुशी की बात सुनकर उसे बदी की तरफ बायल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं 10,82,000 पाउंड की बातें कर रहा हूं और अगरचे दुनिया की सब करेंसियों के मुताबिक इसमें भी कुछ कमी के पहलू आए हैं लेकिन नस्बतन बहुत कम। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि सन 1982 में जब अल्लाह ताला ने मुझे मनसबे खिलाफत पर नाफिस फरमाया उस वक्त दुनिया की सारे चंदों को मिलाकर पाकिस्तान और दुनिया भर की जमातों के पूरे चंदों को मिलाकर अगर ये इन्होंने रुपए में लिखा हुआ है तो वही मुझे चाहिए।
इन्होंने उस वक्त के चंदे का हिसाब रखकर उसे रुपयों में ही बयान किया है कि मजमूई कुर्बानी का कुल 5,45,00,000 बनता था। जब बख्श जदीद बैरून का इजरा हुआ उस वक्त पहले साल बख्श जदीद बैरून की कुल वसूली 11,46,000 रुपये थी। अब बावजूद मेरे जोर देने के पाउंडों में होनी चाहिए, यह मुबारक जफर साहब को शौक है ज्यादा दिखाने का, इसलिए वो जरूर रुपयों में बातें कर देते हैं, जब दाव लगे रुपये में तब्दील कर देते हैं। बहरहाल अब हमें यही रिपोर्ट सुननी होगी जो मेरे सामने है। वो उनको ये मुआवजना वो दिखाना चाहते हैं कि 85 में वक्फ जदीद बैरून का जब इजरा हुआ तो उस वक्त पहले साल वक्फ जदीद बैरून की कुल वसूली 11,46,000 रुपये थी। आज खुदा ताला के फजल से वक्फ जदीद बैरून का चंदा 5,84,00,000 रुपये हो चुका है। 11,00,000 को आप जो भी समझें और 5,00,00,000 में से जितनी चाहे कमी कर लें, फिर भी ये इतना नुमाया इजाफा है कि रुपये की गिरती हुई कीमत को पेश नजर रख के भी इसकी कोई तौजीह दुनिया में पेश इंसान नहीं पेश कर सकता कि इजाफा नहीं हुआ रुपये की कीमत के लिए। जितनी चाहो गिरा लो, मगर 11,00,000 के मुकाबले 5,83,00,000 की तादाद को तुम किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो मजमूई वसूली के लिहाज से जमात है अहमदिया आलमगीर की पहली 10 जमातें हैं, उनमें अल्लाह ताला के फजल और रहम के साथ अमरीका इन साल भी अव्वल रहा है और अमरीका के बाद पाकिस्तान नंबर 2 है। और ये पाकिस्तान का बड़ा एजाज़ है कि इंतहाई मुखालफाना हालात के बावजूद इस चंदे में उन्होंने एक जर्रा भी कमी नहीं की। जर्मनी की तीसरी पोजीशन, जो पहले नंबर 1 और फिर 2 और फिर अब 3 हुआ है, उसी तरह मुस्तकम है और उनकी मजबूरी है। अब आप लोग ज़बरदस्ती वक्फ जदीद चंदा का चंदा बढ़ाने की खातिर अपने बाकी चंदों को कम ना करें, वो निज़ाम बिगड़ जाएगा। अल्लाह ने आपको तीसरी पोजीशन अता फरमाई है, बहुत बड़ी चीज़ है। इस दौर में तीसरा घोड़ा होना भी बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर अव्वल दोम सोम का ऐलान किया जाता है। चौथे नंबर पर बरतानिया है, पांचवें पर कनाडा, छठे पर इंडिया। इंडिया की ये खास खूबी है कि वक्फ जदीद के चंदे में वो पहले से बहुत बड़े हैं और अब बड़े बड़े मुल्कों का मुकाबला करने लगे हैं। स्विट्जरलैंड 7वें नंबर पर है, हिंदुस्तान के बाद चला गया अब। इंडोनेशिया 8वें नंबर पर है, नॉर्वे 9वें नंबर पर है और मॉरिशस 10वें नंबर पर है। मैंने हाथ जो तर्क करने की कोशिश की थी, शुक्र है खुश जुबान पर इतना लुआब जरूर था कि वो कागज को चिपका ले। फीकस गुरबानी के लिहाज से जमात है अहमदिया आलमगीर की पहली 5 जमातें, यानी हर चंदा दहिंदगा चंदा दहिंदा जिसने हिस्सा लिया है उसकी इनफरादी कुर्बानी को अगर शामिल किया जाए तो दुनिया में कौन सी जमातें हैं जिनमें हर चंदा दहिंदा इतना चंदा अदा कर रहा है कि बाकी दुनिया की जमातों से आगे बढ़ जाए। इस पहलू से भी अल्लाह के फजल से अमेरिका सबसे ऊपर है। फी चंदा दहिंदा सब छोटे बड़ों को मिलाने के बावजूद इसके कि उन्होंने चंदा दहिंदों की दहिंदगान की तादाद में बहुत इजाफा किया है और उस इजाफे के पेश नज़र उनको ये ख़तरा था कि मजमूई तादाद गिर ना जाए, मगर अमेरिका को हर चंदा दहिंद अमेरिका के हर चंदा दहिंदा को 105 पाउंड फीकस देने की तौफीक मिली है। नंबर 2 स्विट्जरलैंड है, जिनको 63 पाउंड फीकस देने की तौफीक मिली है।
हुआ कि अमेरिका अब अल्लाह के फजल से इतना नुमाया आगे बढ़ गया है कि अब इसके लिए दुआएं करें, लेकिन आप में ताकत नहीं कि इसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि अमेरिका का निज़ाम माशाल्लाह दिन ब दिन मुस्तकम होता चला जा रहा है और अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा अमीर अता फरमाया है जो मालियात का बहुत बड़ा माहिर है, लेकिन मालियात से बढ़कर उन्होंने अपनी सोचें अपने बुजुर्ग बाप से विरसे में पाई हैं, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब के बेटे सरदार मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, और वो हर बात बड़े गहरे मंसूबे से किया करते थे। किसी जगह मंसूबा बंदी की तालीम नहीं पाई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी सरिश्त में मंसूबा बंदी जारी हुई थी, बहुत गहरी नज़र थी, बहुत गहरे मंसूबे से काम किया करते थे। ये खूबी अमेरिका के मौजूदा अमीर ने भी अपने बुजुर्ग बाप से विरसे में पाई है और उसे आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं हटने दिया। और ये आगे बढ़ना है, ये कोई पुराने बुजुर्गों की गुस्ताखी नहीं, उनकी अपनी दुआएं यही होती थी कि हमारी औलाद हमारी नेकियों में हमसे आगे बढ़ जाए। तो उनकी तमन्ना पूरी हुई, इस पर किसी एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं। स्विट्ज़रलैंड के बाद जापान 30 पाउंड। जापान पर जो माली मुश्किलात का दौर आया है उसके पेश नज़र इनका 30 पाउंड फी चंदा जिंदा ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग निकाले गए हैं, बहुत सी तजारतों को नुकसान पहुंचा है। नंबर 4 बेल्जियम है, इसको 11 पाउंड 64 पैसे देने की तौफीक मिली है फी चंदा जिंदा। बेल्जियम के लिहाज से वाकई ये बड़ी बात है। बेल्जियम के एमडी बहुत से बेरोजगार हैं और वजीफों पर पल रहे हैं, उनका इस कुर्बानी में इतना नुमाया हिस्सा लेना और हमेशा बड़े इस्तेकलाल से 5 में से 1 पोजीशन हासिल करना बहुत काबिल तहसीन है, अल्लाह उनको बेहतरीन जजा दे। जमात जर्मनी को उन्होंने चंद पैनीस के लिहाज से पीछे छोड़ा है, यानी जमात जर्मनी फी चंदा दहिंदा भी अभी 5 में शामिल है, और ये अल्लाह ताला की फजल से जमात जर्मनी का बड़ा एजाज़ है। जमात जर्मनी के फी चंदा दहिंदा की कुर्बानी 11 पाउंड 50 पेंस है और बेल्जियम की फी चंदा दहिंदा की कुर्बानी 11 पाउंड 64 पेंस है, सिर्फ 14 पेंस का फर्क है। इतनी मेरी तरफ से जर्मनी को इजाज़त है कि चाहे तो इस 14 पेंस को मिटाकर आगे बढ़ जाएं और बेल्जियम को पीछे छोड़ जाएं। मुआजना तादाद चंदा दहिंदगान 1996 में चंदा दहिंदगान की कुल तादाद 1,67,493 थी, 1,67,493। 1997 में इस तादाद बढ़कर 2,22,628 हो गई। गोया इस तादाद में 32% इजाफा हुआ है। बस मैंने जैसा कि पहले जोर दिया था, हमें कुर्बानी करने वालों की तादाद को बढ़ाना है, क्योंकि जो भी एक दफ़ा कुर्बानी करने वालों की तादाद में शामिल हो जाए, अल्लाह ताला का कानून कर्ज हसना को बढ़ाने वाला उस पर लागू हो जाता है, उसकी नेकियां बढ़ती हैं, उसके अमवाल में बरकत पड़ती है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो जो भी कमाई करता है उसमें अल्लाह का हिस्सा डालता है। बस वक्फ़े जदीद को आइंदा नस्लों को संभालने के लिए इस्तेमाल करें और कसरत से वक्फ़े जदीद में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ाएँ, हाँ थोड़ी कुर्बानी करनी करें लेकिन उनको शामिल ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस तरह तवज्जो कर रही है और अब 2,22,628 तक तादाद जा पहुँची है। अब मैं आखिर पर पाकिस्तान में नुमाया वसूली करने वाली जमातों का ज़िक्र करता हूँ। पाकिस्तान में नुमाया वसूली करने वाली जमातें पहले नंबर पर कराची है। कराची के साथ
गुज़श्ता साल शायद कुछ ज़्यादती हुई थी, उनके आदाद शुमार यहाँ ठीक पड़े नहीं गए या वक्त में भिजवा नहीं सके, उनको पहली हैसियत से गिरा कर तालबन दूसरी में कर दिया गया था। लेकिन बाद में जो उन्होंने मुझे आदाद शुमार भिजवाए, कराची की पहला मरतबा, पहला मकाम उसी तरह कायम था। बस अब भी अल्लाह ताला के फजल से कराची जमात सारे पाकिस्तान की जमातों में आगे बढ़ गई है। दूसरे नंबर पर रब्वा है, और रब्वा की कुर्बानियों में दरअसल सारी दुनिया के अहमदी मुहाजरीन की कुर्बानियां शामिल हैं, और अक्सर उनका चंदा बाहर से आने वाले रुपए की वजह से है, इसलिए इसमें सारी दुनिया हिस्सेदार बन जाती है, मगर रब्वा पहुँच कर फिर अदा होता है, इसलिए रब्वा को बहरहाल एक मकाम हासिल है। तीसरे नंबर पर लाहौर है। ये जमा पहली तीन जमातों का जिक्र है। अब पहले 10 अजला का नाम भी सुन लें ताकि आपकी दुआओं में वो शामिल रहें, फिर मैं इस मुद्दे को दुआ के साथ ख़त्म करूँगा। इस्लामाबाद, ये सारे अजला में नंबर एक पर है। रावलपिंडी तमाम पाकिस्तान के अजला में नंबर दो पर है। ये मुझे समझ नहीं आती कि बाकी जो बहुत से अहम तरबियती या दूसरे काम हैं उनमें इन दोनों ज़िलों को इतनी तौफीक नहीं मिली। वक्फ़े जदीद में पता नहीं क्यों और कैसे मिल गई, लेकिन अल्लाह का फजल है, जिसको भी नसीब हो जाए अल्लाह ताला ये मुबारक करे, और इसके नतीजे में दूसरे तरक्की के मैदानों में भी इनको आगे कदम बढ़ाने की तौफीक अता हो। अब सियालकोट ज़िला भी आम तौर पर पीछे रहने वाले ज़िलों में शुमार होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े अजीम झंडे जो सियालकोट की जमात ने मसीमत के ज़माने में उठाए हुए थे एक एक करके अपने घरों में रख दिए गए, और आखिर ये जमात अमलन दुश्मन के हाथों में चली गई, यानी ये ज़िला अमलन दुश्मनों के हाथों में चला गया। बड़ी बड़ी अहमियत की मुखालफत की रोएं इस ज़िले से उठी हैं, जिनका पहले ज़मानों में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो अब मैं इस ज़िले के पीछे तो पड़ा हुआ हूँ, देखें कब ये बेदार होकर हर तरक्की हर नेकी के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर तस्लीम करना पड़ता है कि वक्फ़े जदीद में इस ज़िले को तीसरी पोजीशन हासिल हो गई है। फैसलाबाद चौथे नंबर पर है, पांचवें पर गुजरांवाला है, और शेखपुरा की बारी छठे नंबर पर आती है। शेखपुरा गालबन चौधरी अनवर हुसैन साहब को याद कर रहा है, उनके बेटे सुन रहे होंगे तो याद रखें कि अपने बुजुर्ग बाप के मकाम को याद रखें, और जिन जिन नेकी के मैदानों में उन्होंने कदम आगे बढ़ाया था आप भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उमरकोट सातवें नंबर पर है। ये छोटा सा सिंध का ज़िला है, लेकिन हैरत है कि कैसे सातवें नंबर पर आ गया, मगर आ गया है। गुजरात आठवें नंबर पर है, और गुजरात का आठवें नंबर पर होना भी गालबन इसका तमाम दुनिया में फैल जाना है, इस वजह से है कि वह सब दुनिया में फैला हुआ है और अपने पसमानदगान अपने पीछे रहने वालों का ख्याल रखते हैं। सारे गुजराती दुनिया भर से अपने ख़ानदानों की माली मदद करते हैं, और अल्लाह के फजल से उनको फिर ये खिदमत दीन में उनको ये मदद खिदमत दीन के सिलसिले में इस्तेमाल करने की तौफीक मिलती है। क्वेटा नवें नंबर पर है, और सरगोधा दसवें नंबर पर, और इसके साथ ही जुमे का वक्त ख़त्म होता है। الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
मैं याद हो फला मुदलू व मैं युदलो फला दिया व नशद वल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू व नशद अन्न मोहम्मदन अब्दुहू रसूलो इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़्य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ